तो वाराणसी अनुष्ठित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन को भिसी जोगे आज उद्घाटन करने सहित संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सभी महानुभाव भाई और बहनों, काशी के सांसद के नाते मेरी काशी में मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर होता कि मैं स्वयं वहां रह करके मेरी काशी में मैं आपका स्वागत करता, आपका सम्मान करता, लेकिन समय की कुछ सीमाओं के कारण मैं खुद तो वहां नहीं रह करके आपका स्वागत कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है काशीवासियों ने आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी होगी, आपकी भरचक खातिरदारी की होगी, चिंता की होगी, और अगर कुछ कमी रह भी गई हो तो दोष काशीवासियों का नहीं होगा, वो दोष मेरा होगा, और इसलिए आप जरूर क्षमा करेंगे और काशी के आपके इस वास्तव्य को आप भर पेट एंजॉय भी करेंगे और मिल बैठ करके भावी भारत के लिए, भारत के शहरों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने अनुभवों को साझा करेंगे, बहुत सी चीजें एक दूसरे से सीखेंगे और अपने अपने शहर को अपने अपने तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर से सुंदर शहर बनाने के लिए, वाइब्रेंट शहर बनाने के लिए, एक जागृत शहर बनाने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी मेयर साहबान जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में 5, 50, 20 साल के बाद जब भी कोई शहर में आए तो चर्चा करे कि भाई जब फलाने सज्जन यहां मेयर थे या फलानी बहन यहां मेयर थी तब ये शहर में ये काम हुआ था। एक याद बन जाएगी, एक दिशा बन जाएगी और हर किसी के मन में ये सपना भी रहना चाहिए, ये संकल्प भी रहना चाहिए और इस संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुट जाना भी चाहिए। और जनता ने जब हम पर विश्वास रखा हो, नगर का पूरा दायित्व हमें दिया हो, तो हमें भी इसको भली भांति पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब उस दिशा में जरूर कुछ न कुछ करते होंगे, जरूर उसका अच्छा परिणाम मिले इसके लिए आपका प्रयास रहते होंगे। और मैं आज शहरी विकास मंत्रालय को, यूपी सरकार को और आप सभी को भी बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में के लिए बनारस को चुना है, मेरी काशी को चुना है। देश के विकास के लिए आपके संकल्पों से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जुड़ेगा, तो आप सब कुछ न कुछ नया प्राप्त करके, नई प्रेरणा लेकर के, नया उमंग लेकर के अवश्य अपने अपने कार्यक्षेत्र में लौटेंगे। काशी में हो रहे इस कार्यक्रम को मैं कई संभावनाओं के साथ जोड़कर देख रहा हूं। एक और बनारस जैसा दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक स्थान और दूसरी ओर आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रूपरेखा। अभी हाल में जब मैं काशी में था तब मैंने कहा भी था कि काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोडमैप बन सकता है। हमारे देश में
ज्यादातर शहर पारंपरिक शहरी ही है, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता में भी उतनी अहमियत है। हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास के हर तबारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके ऐतिहासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेरणा बना सकते हैं। हमारी विरासत को सहेजने की, संवारने की नए नए तौर तरीकों हम विकसित कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं लोकल कला कौशल को, उसको आगे बढ़ाने के तरीकों को, कैसे लोकल स्किल और प्रोडक्ट्स शहर की पहचान बन सकते हैं। इस अनुभव को साथियों, आप लोग जब बनारस घूमेंगे, और आप में से बहुत लोग आए हैं जो पहले कभी न कभी तो आए ही होंगे, तो पुरानी स्मृतियों के साथ नए बदलाव को आप जरूर तुलनात्मक रूप से देखेंगे, और साथ साथ आपके दिमाग में अपना शहर भी सवार हो जाएगा, और आप हर पल देखेंगे कि मैं जिस शहर से हूं वहां की गली और काशी की ये गली, मैं जिस शहर में हूं वहां की नदी और यहां की नदी, हर चीज आप एक पल 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 तुलनात्मक अभ्यास करेंगे। और आपके साथ जो और मेयर होंगे उनके साथ भी आप चर्चा करेंगे, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। हम सबको चर्चा करते 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 नए विचार मिलेंगे, नई कल्पनाएं मिलेंगी, नए कार्यक्रमों की रचना तैयार होगी, और वो अपने शहर में जाकर के जब आपका नेतृत्व उस काम को करेगा तो आपके शहर के लोगों को, आपके राज्य के लोगों को एक नई खुशी मिलेगी, नया विश्वास मिलेगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए, हम इवोल्यूशन में विश्वास करें। रिवॉल्यूशन की आज भारत को जरूरत नहीं है, हमें कायाकल्प की जरूरत है। पुराना सब तोड़ना, फोड़ना, खत्म करना ये हमारा रास्ता नहीं है, लेकिन पुराना जो कुछ भी है उसको संवारते हुए आधुनिकता की तरफ हम कैसे जाए, आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कैसे आगे बढ़े, ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। अब हम देखिए, स्वच्छता का अभियान चल रहा है पूरे देश में। हर वर्ष स्वच्छ शहर की घोषणा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं धीरे धीरे कि कुछ ही शहरों ने अपनी जगह बना ली है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी शहर निराश होकर के बैठ जाएं कि भई ये तो उन्हीं को इनाम जाने वाला है, वही आगे बढ़ गए हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप सभी मेयर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की स्पर्धा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे, आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा, ये संकल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा हमारे हरदीप पुरी जी को, हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो श्रेष्ठ स्वच्छ शहर है उनको तो इनाम देंगे ही देंगे, उनको तो रिकग्नाइज करेंगे, सम्मानित करेंगे, लेकिन जो अच्छा होने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उनको भी हम रिकग्नाइज करें, और जो बिल्कुल आग बंद करके बैठ गए हैं, कुछ करना ही नहीं है, उनकी सूची भी निकालें और उन राज्यों में एडवर्टाइजमेंट करें कि देखिए इस राज्य के तीन शहर हैं वो इस स्वच्छता में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जनता का दबाव इतना बढ़ेगा कि हर किसी को काम करने का मन कर जाएगा। और मेरी मेयरों से आग्रह है कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कार्यक्रम के रूप में न लें, क्या आप हर महीना वार्ड के बीच
हर वार्ड के बीच स्वच्छता की स्पर्धा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? जूरी बनाकर के इस महीने में कौन सा वार्ड सबसे ज्यादा स्वच्छता का इनाम ले रहा है, अगर शहर के वार्डों में कंपटीशन होगी, वार्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्पर्धा होगी, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टोटल जो इफेक्ट है वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा। और इसलिए मैं तो चाहूंगा, दूसरा, जैसे स्वच्छता का एक महत्व है, सौंदर्यकरण भी, ब्यूटिफिकेशन, ये भी मैं तो चाहता हूं, दुनिया में ब्यूटी कॉम्पिटिशन होती है, जो होती है वो होती है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन क्या हम हमारे नगर में वार्ड ब्यूटी कॉम्पिटिशन कर सकते हैं क्या? कौन सा वार्ड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? सफाई का पैरामीटर हो सकता है, सौंदर्य की दृष्टि से किए गए इनिशिएटिव का पैरामीटर हो सकता है। हर नगर अपना विकसित करे, जूरी बनाए, दीवारों को कैसे रंगा गया है, दुकानें हैं तो बोर्ड कैसे लगे हुए हैं, गलियों के साइन बोर्ड है तो कैसे लिखे गए हैं, एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ऐसे अनेक बातें हैं। उन सारी बातों को अगर आप लगातार शहर में ये जोड़ते, अब जैसे अभी एक स्पर्धा ऑर्गेनाइज हुई है, आजादी का अमृत महोत्सव। अब आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें तीन चीजें कही है जो आप सामान्य मानवी से करवा सके। एक कि आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रंगोली स्पर्धा, लेकिन रंगोली भी सौंदर्य के साथ जुड़ी हुई रंगोली नहीं, आजादी की आंदोलन की किसी न किसी घटना से जुड़ी हुई रंगोली। अगर ये पूरे शहर में आप स्पर्धा करें, आने वाले 26 जनवरी तक इसको बड़ा माहौल बनाएं, देखिए बदल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से आपके शहर में आजादी के आंदोलन में जो हुआ हो उसके लिए कुछ गीत लिखे जाएं, आपके शहर में आजादी के आंदोलन में घटी घटना के संबंध में कुछ गीत लिखे जाएं, उन गीतों की स्पर्धा हो, आपके राज्य के अंदर जो घटनाएं घटी है उसके गीतों की स्पर्धा हो, देश की महान घटनाओं को जोड़ करके उनकी स्पर्धा हो, आप देखिए बदलाव होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारी माताओं तो सहरांचल रे सुगम जीवन यात्रा सुनिश्चित करने विभिन्न राज्य मेयर्स मानक सहित तो आलोचना करुछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जहाँ आम आप सीधा सड़क पहुंचाऊ। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भूटान सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले। सर्वोच्च नागरिक सम्मान में सम्मानित कले भूटान प्रधानमंत्री। महामारी समय भूटान को सहायता पर सर्वोच्च सम्मान मिले। बंधुता और पारस्परिक सहयोग पर यह पुरस्कार प्रदान करा जाएगी।